हे गैस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की हम बात करने वाले हैं Facebook के बारे में। गैस, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने Facebook अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करें। जैसे कि आप जानते हो कि Facebook में रोज नए अपडेट होने के कारण जो Facebook की सेटिंग या फीचर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, यानी बदल चुके हैं। इस कारण आप अपने Facebook अकाउंट को आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। तो गैस, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये जो डिलीट करने का जो फीचर्स है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो गैस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू देखनी होगी, तभी आप अपनी बड़ी आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है। जैसे आप अपने फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए जो पहले जो फेसबुक के सारे फीचर्स थे वो इस तरीके के नहीं थे, अब जो फीचर्स हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं। अगर गैस आपके में इस तरह के फीचर्स नहीं है और आपने अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको सबसे पहले यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना, आप जाएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ से अपने फेसबुक अकाउंट को एक बार अपडेट कर लेंगे। आप सर्च करेंगे फेसबुक और यहाँ से आप अपने फेसबुक को एक बार अपडेट कर लेंगे, क्यों मेरा अपडेट मांग रहा है, लेकिन मैंने पहले अपडेट कर लिया इसलिए वो सारे फीचर्स हैं वो मेरे चेंज हो चुके हैं। तो गैस, अगर आपका जो फेसबुक ऐप है वो अपडेट नहीं है तो गैस आप यहाँ से अपने फेसबुक ऐप को पहले अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद फिर यहाँ से बैक आएंगे, तो बैक आने के बाद फिर अपने फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे तो गैस आपके में इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गैस, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से फिर ओपन करेंगे इस तरीके से। ओपन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गैस आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ एक ऑप्शन होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फिर एक बार सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा अकाउंट सेंटर, आप अकाउंट सेंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैस आप नीचे आएंगे, एक ऑप्शन होगा पर्सनल डिटेल्स। गैस आपको क्या करना, आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने से पहले गैस आप यहाँ से अगर आपके दो अकाउंट हैं या तीन अकाउंट हैं या चार अकाउंट हैं, आप जौन सा अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं वो यहाँ से इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने जो फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गैस जो डिलीट करने का जो प्रोसेसर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेशन और डिलीशन है। तो गैस आपको क्या करना, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे राहुल यादव, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो राहुल यादव के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गैस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, पहला ऑप्शन होगा डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा होगा डिलीट अकाउंट, यानी कि आप अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट नहीं करना चाहते हैं, ओनली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी कुछ दिनों के बाद आप अपने अकाउंट को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो गैस आप डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर गैस आपको अपना परमानेंट डिलीट करना है तो गैस आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से टिक करके यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे गैस आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। तो गैस यहाँ पे जो मेरा, अगर गैस आपके फेसबुक अकाउंट पर आपका जो पेज बना होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। देखिए पेज एंड एडिशनल फेसबुक अकाउंट के साथ आपका जो पेज है वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर आपको अपना पेज भी डिलीट करना है तो गैस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना एक रीज़न सेलेक्ट करना है, यहाँ से कोई भी रीज़न इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू। उसके बाद आपको फिर यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद गैस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखा है डीएक्टिवेट और नीचे होगा, नीचे आएंगे यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपके जो फेसबुक अकाउंट पर जो आपका डाटा है, यहाँ से देखिए डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, यानी आपके जो फेसबुक पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में उसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो गैस आपका जो फेसबुक का जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज़ री इंटर योर पासवर्ड, यानी आपके जो फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो गैस आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन गैस आप क्या करना होगा, आपको 30 दिन तक अपने फेसबुक अकाउंट को दोबारा लॉगिन नहीं करना। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को 30 दिन से पहले दोबारा लॉगिन कर लेंगे तो गैस आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा, यानी 30 दिन तक आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन नहीं करेंगे तो गैस आपका जो फेसबुक अकाउंट है परमानेंटली डिलीट
हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को बड़े आसानी से डिलीट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस जो फेसबुक में नई जो फीचर्स चेंज हो गए, इस कारण फेसबुक यूज़र हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट नहीं कर पा रहे थे, यानी ये सेटिंग उनको नहीं मिल रही थी कि वो फेसबुक अकाउंट कहाँ से डिलीट करें। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि अगर आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।